हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 और आज जो है सोना जल्दी चली गई थी स्कूल, क्योंकि उनको टीचर डे का कुछ प्रोग्राम करना था स्कूल में और आज सोना का हाफ डे भी है। हाँ, तो आरू को भी फिर आज जल्दी भेज दिया। और आजकल ना गाइस मौसम पता है कैसे हो गया, सुबह सुबह एक ना जो मतलब सर्दियों वाली फीलिंग होती है ना वो आ रही है, थोड़ा ठंड से लगने लग गई सुबह को। और दिन में तो काफ़ी तेज़ धूप है, बट मौसम बदल रहा है अब धीरे धीरे, थोड़ा सा जो है अक्टूबर में थोड़ी सुबह शाम की ठंडी हो जाएगी। तो क्या करा जाए आज। तो सुबह 9 बजे तक ही मतलब मैं थोड़ा सा ऐसा फ्री रहती हूँ, उसके बाद तो बहुत हबड़तबड़ हो जाती है। ठीक है, कहीं पार्लर, कहीं कुछ। और अभी मेरी पूरी सेटिंग बच रखी है, पार्लर की ऑल टोटल सेटिंग बची है, क्योंकि पार्लर में तो अभी कारपेंटर का काम होना है तो इस वजह से। और घर पे जो है अभी पर्दे वगैरह, रोड वगैरह सारी लगानी है। तो मैंने पता क्या किया कि होम सेंटर पे ना थोड़ा सा डिस्काउंट चल रहा था, तो मैंने सोचा कि पर्दे में वहाँ से ले लेती हूँ। तो होम सेंटर पे जब सेल चलती है ना, तो उसमें पता है क्या होता है कि मतलब कुछ कुछ में ही, जैसे मान लो आपको ब्लू कलर का कोई पर्दा मुझे पसंद आया, ठीक है, तो अगर मैं और भी लेना चाहूँ उसमें कलर, तो वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो दो तरह के मुझे पर्दे पसंद आए थे, काफ़ी अच्छे रेट अच्छे हैं, क्योंकि मार्केट में कम से कम 1500-1600 से स्टार्ट है जोड़ा, अगर हम उसकी बात करें तो पर्दों की, मतलब एक जोड़े की, एक पेयर की। और अच्छा, ठीक है, 9 फीट का, तो 9 फीट के पर्दे कम से कम 1200-1300-1400 ऐसे अच्छे जो हैवी पर्दे होते, तो उसमें काफ़ी अच्छे प्राइस में था, आई थिंक 500-600 का जोड़ा था। ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ मैं मंगा लेती हूँ, तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि कैसे है। और मीशो से गाइज मैंने मतलब वैसे मेरा एक्सपीरियंस मीशो से बैड ही रहा है हमेशा, तो इस बार मैंने पता क्या सोचा कि हमारा किचन का जो है मॉड्यूलर किचन, उसमें जो कैबिनेट वगैरह अभी नहीं बने हैं, तो मेरे को सामान रखने में ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी कुछ टाइम रुक के ही बनेंगे कैबिनेट। तो मैंने तब तक मैं इनका टेम्परेरी मैं डिब्बे ले लेती हूँ वहाँ से। तो मैंने एक मंगाया है ये प्लास्टिक वाले जो कंटेनर होते हैं, कोई 5 किलो का, कोई 2 का, कोई 1/2 किलो का, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे हैं, 7-8 हैं, तो देखते हैं कैसा आता है। और सोची थी मैं, जब मैंने ये दो गमले लिए थे मैंने ये प्लास्टिक वाले, तो ये गाइस 250 रुपये का एक गमला है, मतलब यहाँ जो गमले बेचने वाले आते हैं ना, तो उस पर हाँ होम सेंटर पे ही मेरे को काफ़ी अच्छा था, मेरे ख्याल से 78 या फिर 80, मतलब 100 ही था पूरा, इतना कुछ है का एक गमला पड़ रहा था प्लास्टिक का। ठीक, तो देखती हूँ ले लेती हूँ मैं, तो आप लोग के साथ शेयर जरूर करूँगी। ठीक है, और भी आप लोग मुझे बताना कि मतलब कौन सी ऐसी साइट है जिस पे जो है ये घर का सामान अच्छा मिले, जैसे पर्दे हो गए और किचन वगैरह का सामान हो गया, मतलब जो भी होता है ना, तो ले लेती हूँ। मीशो वाला तो मैंने ऑर्डर कर दिया, बट होम सेंटर वाला अभी करूँगी ऑर्डर, और जल्दी आ जाएगा तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी मैं, आप लोग के साथ शेयर करूंगी कितना सारा सामान होता भाई घर का। अभी तो मतलब अभी तो बस ढांचा ही बना है, सारा सामान तो लाने ही बाकी है अभी, तो देखते हैं। और सुन, मैंने तो मतलब आज तक कभी लिया नहीं होम सेंटर से, पर सुना है कि मतलब वो चीज़ें अच्छी होती हैं काफ़ी। तो अभी मेरे को जो है ये किड्स वाले पर्दे भी लेने हैं, तो वो तो नहीं थे होम सेंटर पे, देखते हैं यार, थोड़ी थोड़ी लेंगे, सेल जब लगती रहेगी तब ले लेंगे, है ना, इतने महंगे क्यों लेने फालतू में। तो चलिए, तब तक मैं थोड़ा घर का काम कर लेती हूँ, नाश्ता वगैरह, आज बच्चे बिस्किट खा के ही स्कूल गए, तो अभी मैंने नाश्ता बनाना है, और नाश्ता बनाने के बाद जाऊँगी मैं पार्लर में, तो पार्लर में देखते हैं आज क्या करते हैं। और काफ़ी दिन से ना कमेंट आ रहे थे मुझे कि अपना हेयर कट करो। तो वैसे तो यार हेयर फॉल इतना हो रहा है ना, हेयर फॉल जितना हो रहा है, मन कर रहा है कि बस बॉय कट करवा दो, पर क्या करें, बॉय कट तो नहीं करा सकते, लेकिन देखते हैं कुछ तो करेंगे। तो मतलब ना मेरे व्लॉग मतलब ऐसे ही होते हैं यार, हमारी लाइफ ही ऐसी है, ऊपर घर है नीचे पार्लर है, तो इससे ज़्यादा क्या दिखा सकते हैं आपको, फिर भी जो कुछ थोड़ा सा होता है, अब डेली ब्लॉग है यही चलता रहेगा। तो अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए चैनल को, और बाकी सोना मेको पे मेरी कंटिन्यू वीडियोज़ जाती हैं। ठीक है, और चलिए मैं पार्लर में जाके आपको मिलती हूँ, उस बीच अगर कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और बाय बाय, टेक केयर। तो गाइज अभी चल रही है यहाँ पे
क्या कर रहे हैं? हाँ, वीडियो बनाने की तैयारी। तो देख सकते हो दुपट्टा सेटिंग की वीडियो बन चुकी है। और सो गाइस, पसीने आ गए हमारे। आईलाइनर शूट किया है, देख सकते हो आप गाइस। ओटी मुझे थक गई कैमरा पकड़ पकड़ के। और आयशा को देखो आप यहाँ पे, ये सारी हमने ऐसे टेबल बना रखी थी इसके ऊपर रखने के लिए। तो गाइस, बहुत मेहनत लगती है ट्यूटोरियल शूट करने में, मेकअप की ट्यूटोरियल। तो चलिए, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको शाम को, बाय बाय। तो गाइस, बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि मैं अपना हेयर कट करूं, तो क्या बोलते हो आप लोग, मैं अपना हेयर कट क्या बोलते हो आप लोग, मैं ये कितना सूट हो रहा ना ऐसे आप लोग वीडियो बना रहे हो। हाँ, काटूंगी मैं उतना। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी हेयर ग्रोथ कितनी है, हेयर लेंथ कितनी है, ठीक है। तो फिलहाल मैंने ये फ्लिक्स काटी है यहाँ से। कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लग रही है। और ये देख सकते हो इतने लंबे हैं मेरे बाल, तो क्या करूं, काटूं या ना काटूं? बता ऐसा, काटूं कि ना काटूं? ना यार, बड़ा अच्छा लग रहा है, मत काटो। तो बता काटूं कि ना काटूं? हाँ काटो, शौक से काटो। इतने थोड़े दिखाओ किसका। तो गाइज, मैंने ये थोड़ी सी एक दो फ्लिक्स काटी है यहाँ से। और पहले भी मेरा ऐसे ही हेयर स्टाइल रहता था, बट बीच में मैं ऐसे रखने लग गई थी ऐसे ऊपर, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो अब मैं वापस आ गई हूँ अपने पुराने हेयर स्टाइल में। और ये है बालों की लेंथ। तो फिलहाल मैंने सोचा है कि मैं इन्हें हल्का सा ट्रिम करवाऊंगी, कल कटवाऊंगी पूजा से। और फ्रंट से करती हूँ मैं थोड़ा इनको, वो कैची का है तो थोड़ा सा, बस हल्का हल्का सा लुक करी मैंने, जरा सा, हाँ ज्यादा नहीं काटूंगी। ये लिया एंड ठीक है, वीडियो पे ध्यान दे तू। और इस साइड से भी करती हूँ, पर हल्का सा, घर के काम में नहीं रखे जाते इतने लंबे बाल, इतने छोटे बाल में। तो गाइस देख सकते हो, अब ये है मेरा हेयर स्टाइल। तो कमेंट करके जरूर बताना कि कैसे लग रहे हैं। थोड़ा खुले रखने के लिए तो हो गए है ना, मेरे पुराना हेयर स्टाइल ये रहता था मेरे हेयर स्टाइल का। कैसे लग रहा है, कैसी लग रही हूँ मैं? चलिए बाय।